जी आज पाकिस्तान सुपर लीग में एक मुकाबला होगा जिसमें कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें जो हैं वो आमने सामने होंगी। दोनों टीमें जो हैं इस वक्त शदीद जो है वो प्रेशर में हैं क्योंकि उनका सर्वाइवल के लिए मैचेस खेले जा रहे हैं। आज जो टीम मैच जीतेगी उसके लिए उम्मीदें भी ज़िंदा रहेंगी कि वो अगले मैचेस में जो है वो परफॉर्म अच्छा करके प्ले ऑफ मरहले में अपनी जगह बना सकती है, लेकिन जो टीम आज हारेगी उसके लिए उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगी कि वो प्ले ऑफ मरहले में जगह बनाएँ। अगर मैं पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो 12 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। ये दोनों टीमें जो है प्ले ऑफ मरहले में जगह बना चुकी हैं। मुल्तान सुल्तान जो है वो 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि कराची और अगर मैं क्वेटा की बात करूँ तो कराची की टीम 4 पॉइंट्स के साथ पाँचवें नंबर पर है और क्वेटा ग्लैडिएटर सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर मौजूद है। आज इमाद वसीम और सरफराज अहमद के दरमियान मुकाबला है। कौन ये टीम जीतेगी, कौन सी टीम जो है वो अपनी उम्मीदें ज़िंदा रखेगी, आज के मैच से पता चल जाएगा।